मैं किरजी सिंह गैरी, प्रधान लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश। कोरोना कहर महामारी के चलद बख बख मुद्दों से बख बख विचार लैके मैं मुख्यमंत्री पंजाब नू, पंजाब सरकार नू अपील की है। तो मुख्यमंत्री पंजाब ने उदे ते गौर भी किया। अज मैं मुख्यमंत्री साहब नू ध्यान च लाना चाहना कि जेडे बच्चे है स्कूलों च पढ़ने वाले, बच्चों का रिजल्ट आ गया, बच्चे पास भी हो गए। तो अज करोना लैके करफ्यू लग्या होया पंजाब दे विच, बच्चे अपने घर बैठे है। किताबां दे डिपू जिहड़े आ बंद है, किताबां कापियां मिल नहीं रही। तो इसलिए सब तो पहला काम तो यह करना चाहिए है कि पंजाब दे विच कुछ समय लई भावें एक घंटे भी छोड़ दिओ, किताबां वाले डिपूआं नूं खोलण की इजाजत दिओ तां कि वह किताबां अपनियां खरीद सकन। दूजा बड़ा है मुद्दा अनुसूचित जाति ते बैकवर्ड क्लास के बच्चों का, गरीब बच्चों का, जिन्हों सरकार मुफ्त किताबा दिंदी है। वह मुफ्त किताबा किवें आउणगियां, किवें बच्चों तक पहुँचणगियां, क्योंकि ये जिहड़ा मामला है लग रहा देखण नूं, हालात इस तरह के लग रहे हैं कि लंबा चलूगा। तो दो महीने जे ये लंबा चलता स्कूल शायद मेरा ख्याल दो महीने नहीं खुलना है, तो वह दो महीने बच्चों के जिहड़े हैगे खराब होणगे। और इसलिए बच्चों तक किताबा कापियां पहुँचाउण लई डिपू खोलण की इजाजत दिओ, ते अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों नूं जिहड़ियां किताबा मुफ्त दित्तियां जांदियां सरकार वल्लों, वह किताबा मुफ्त समाज भलाई महकमे के राही स्कूलों पहुँचा के किसी ना किसी तरीके दे नाल बच्चों तक किताबा कापियां पहुँचाने का काम जिहड़ा पंजाब सरकार करे। पर मैनूं इंज लगता है कि जिवें अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों नूं किताबा कापियां पहुँचाने की तक की हाले तक कोई पॉलिसी नहीं बनी। सो मुख्यमंत्री साहब पंजाब नूं मेरी यह बेनती है कि अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों नूं तुरंत किताबा जिहड़ियां मुहैया कराने का काम किया जाए, तो किताबा कापियां वाले जिहड़े डिपू है उन्हां नूं खोलण की इजाजत पंजाब सरकार देवे, ताकि बच्चों के भविख नूं असीं बचा सकीए।